पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में जिला कृषि एवं विज्ञान प्रदर्शनी के टेंडर में बड़ा खेल सामने आया है। एक टेंडर जिसमें सिर्फ 88,000 रुपए बिड भरी थी, उसे क्लर्क ने रजिस्टर में 1,31,88,000 रुपए चढ़ा दिया। ये पूरा खेल एडीएम सिटी आलोक वर्मा और मेला प्रभारी की मौजूदगी में हुआ। एक ठेकेदार के हंगामा करने पर पूरा खेल पकड़ में आया। गुरुवार को एडीएम सिटी के ऑफिस में ये टेंडर खुल रहे थे। अफसरों पर आरोप है कि उन्होंने अपने चहेते ठेकेदार को टेंडर देने के लिए उसे टेंडर में सिर्फ 88,000 रुपए भरवा कर शुरू का स्पेस खाली छुड़वा दिया। टेंडर खुले तो सबसे अधिक बिड 1,31,02,000 रुपए की थी। एडीएम का क्लर्क एक एक करके टेंडर के अमाउंट पढ़ रहा था। इसके बाद एडीएम के क्लर्क ने सबसे आखिर में असलम नाम के ठेकेदार का टेंडर खोलकर उसका अमाउंट 1,31,88,000 रुपए पढ़ा, जबकि असलम ने अपने टेंडर में महज 88,000 रुपए भर रखे थे। जिला कृषि एवं विज्ञान प्रदर्शनी का टेंडर अपने चहेते ठेकेदार को देने के लिए अफसरों ने ये पूरा खेल रचा था। एक ठेकेदार को शक होने पर उसने असलम ठेकेदार का टेंडर दिखाने की मांग की। अफसरों ने टेंडर दिखाने में ना नकुर की तो ठेकेदार पप्पू ने इस पर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ने पर एडीएम सिटी ने फाइल दिखाई तो सब दंग रह गए। जिस असलम ठेकेदार के पक्ष में सबसे ऊंची बिड के आधार पर टेंडर छोड़ा जा रहा था, उसकी बिड सबसे कम निकली। जिसे अफसर 1,31,88,000 बता रहे थे, वो अमाउंट पेपर पर महज 88,000 रुपए निकला। मामले पर सफाई देते हुए एडीएम सिटी आलोक वर्मा ने कहा कि क्लर्क की चूक की वजह से गलत फहमी हो गई थी। एडीएम ने कहा कि जुबानी रूप से जो भी हुआ हो, लेकिन पेपर पर सब सही था। जब पेपर देखकर पता चला कि असलम आबिद का टेंडर अमाउंट सबसे कम है, तो तुरंत ही टेंडर को निरस्त कर दिया गया। एडीएम ने बताया कि 1,31,02,000 रुपए अमाउंट भरने वाले रामपुर के आबिद के पक्ष में टेंडर छूटा है। योगी जी बजाएगी अब, और मिस्टर आप सस्पेंड होंगे, बिल्कुल सस्पेंड। आप हम लोगों का फायदा उठा रहे हैं। 88,000 रुपए टेंडर में लिखा है और 1,41,00,000 रुपए भर रहे हैं। बोल रहे हैं अपने मुंह से, उसमें क्यों नहीं लिखा हुआ? अपने पेन से भरोगे आप? दिखाइए, दिखाइए कहाँ भरा। हेलो, दिखाइए। नहीं सर, दिखाइए, उसमें दिखाइए। अगर ये भर देंगे आप सर, अभी आपके सामने ये भर देंगे दोबारा? नहीं, अभी भर देंगे जब जो बोल सकते हैं उसे आप रिकॉर्ड कराइए ना इसमें, वीडियो में। सर आप इनका टेंडर रिकॉर्ड कराइए, ये गलत बात है सर आपकी। आप इनका टेंडर दिखाइए। सर आप इनका टेंडर रिकॉर्ड, असलम का टेंडर क्यों नहीं दिखा रहे आप? सर आप टेंडर दिखाइए, सर आप टेंडर हमें दिखाइए। जब उसमें लिखा नहीं है, आप क्यों छुपा रहे हैं? एक मिनट रुकिए। हाँ बताइए, बताइए तो दिखाइए ना टेंडर, दिखाओ टेंडर अमाउंट, दिखाओ टेंडर अमाउंट, दिखाओ। असलम वाला निकालो, असलम वाला निकालो ना, ये नहीं है, असलम वाला दिखाइए, ये है, ये है। देखिए आप, यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं है इसमें भरा, मेरा ओनली 88,000 रुपए है। इसका मतलब तुमसे ज्यादा भ्रष्ट अधिकारी नहीं देखा हमने। अब यही योगी जी को भेजेंगे टेंडर में बिना भरे, आप बोल रहे हो 88,000 रुपए। अब तुम सस्पेंड होगे इस बात पे। हम यहाँ पे बेवकूफ नहीं है 12,00,000 का डीडी बना के, और आप कैसे आप फाइल में पढ़ रहे हो 10,00,000 बढ़ा के आपने बोले बैठे हैं, लेकिन उनकी सर आप बताइए इन्होंने 41 क्यों भरा? ये लाइव चल रहा है सर, लाइव। आप ये बताइए इन्होंने 88,000 करके 1,41,00,000 क्यों भरा? आप जवाब दीजिए, आपने उनसे मिले हैं सर? आप जवाब देना पसंद, सर आप जवाब देना पसंद करेंगे? नहीं तो आपने ऑब्जेक्शन किया है, मैंने तो ऑब्जेक्शन किया है, मैं भी यही ऑब्जेक्शन कर रहा हूं। सर जितने भी अधिकारी हैं तीनों का यही था कि समझाएं, आप दिखाइए। सर ऊपर वाला देख रहा है, मैंने मिलना था। आपने क्यों, आपने 1,41,00,000 कैसे भरा यहाँ पे? कैसे बोला आपने? आप हम लोगों से खिलवाड़ कर रहे हैं 12,00,000 का डीडी लेकर के। ये वीडियो योगी जी बजाएगी अब, और मिस्टर आप सस्पेंड होंगे, बिल्कुल सस्पेंड। आप हम लोगों का फायदा उठा रहे हैं। 88,000 रुपए टेंडर में लिखा है और 1,41,00,000 रुपए भर रहे हैं। बोल रहे हैं अपने मुंह से, उसमें क्यों नहीं लिखा हुआ? अपने पेन से भरोगे आप? दिखाइए, दिखाइए कहाँ भरा।
हेलो नहीं सर दिखाइए उसमें दिखाइए निदान हो रहा है अगर ये भर देंगे आप सर अभी आपके सामने ये भर देंगे दोबारा नहीं अभी भर देंगे जब जो बोल सकते हैं उसे आप रिकॉर्ड कराइए ना इसमें वीडियो में सर आप इनका टेंडर रिकॉर्ड कराइए ये गलत बात है सर आपकी आप इसमें शुरू से पहले मैं बता दूं कि इसमें कुल मिलाकर के एक बहुसदस्यीय कमेटी है जो कि टेंडर को लेकर के बात करती है जिसमें तीन हमारे समाज से जुड़े हुए लोग हैं एक प्रदर्शनी प्रभारी है और एक हमारे इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट से हैं आरईएस से भी हैं मैं हूं एडीएम सिटी और सीटीओ साहब इसको लेकर के प्रदर्शनी को में हम लोगों ने टेंडर निकाले जिसमें 6 टेंडर आए हमारे पास सभी नहीं कुछ भी नहीं सिर्फ एक का कहना है जो कि मेरठ के रहने वाले हैं हालांकि वो सनी सिंह हैं लेकिन सनी सिंह के नाम से वो टेंडर नहीं है वो सुरेश इलेक्ट्रिकल के नाम से है टेंडर जिन्होंने 1,30,00,000 का टेंडर डाला था और जो हमने दिया है वो 1,31,00,000 का टेंडर दिया है जिसका इशू था वो एक असलम है दिल्ली एम्यूजमेंट कंपनी के हैं जिन्होंने 1,88,000 का टेंडर डाला हमारी गलती से हमारे बाबू के मुख से कुछ और निकल गया जिसको लेकर के उन लोगों ने ऑब्जेक्शन की कि सर उसका रेट दिखाया जाए जब हमने रेट दिखाया तो उन्होंने कहा कि जो उन्होंने बोला है 1,41,00,000 उतने का टेंडर नहीं है हम लोगों ने भी जब देखा तो वास्तव में उतने का नहीं था तो निश्चित तौर पर लड़ाई में बाहर हो जाते और लड़ाई में बाहर होने के बाद टेंडर प्रक्रिया कहीं से भी दूषित नहीं हो रही थी ऑन पेपर तो 1,31,00,000 का जो कि सबसे अधिक टेंडर था मिस्टर आबिद का हम लोगों ने उनके नाम से फाइल तैयार कर ली तो सर उसमें कहना है उसमें फाइल में 1 करोड़ कुछ रुपए लिखे गए हैं हाथ से पेन से आप उस फाइल को देख सकते हैं उस फाइल में केवल 1,88,83,00 बने हुए हैं आज भी उस फाइल पे 1,88,83,00 बने हुए हैं जिसको जिसका टेंडर हुआ है उनका उनकी हिस्ट्री क्या है वो कब से यहाँ निवास में टेंडर इसके पहले वो पिछले वर्ष को छोड़ करके पिछले वर्ष को अगर छोड़ दे तो उसके पहले 4 सालों से यहाँ लगा कंपनी को आप ये नहीं कह सकते आप ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम रेट वो लगा रहे हैं इसलिए उनको मिल रहा है लेकिन जो आरोप लगाया है उसका कहना है कि ये मिनी बगत है और वो मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत करेंगे इसमें कितनी सच्चाई अगर ये ऑन पेपर अगर आप खुद भी मैं आपको इनवाइट करता हूँ आप आकर के पेपर देख लें और जिसके पक्ष में वो कह रहे हैं और इवन जिसका हुआ है आबिद वो कहीं आरोप नहीं लगा रहे हैं जो सुरेश इलेक्ट्रिकल्स जो जिनके नाम से सनी जो आरोप लगा रहे हैं उनके नाम से वो टेंडर भी नहीं है तो इसकी प्रक्रिया ऑनलाइन ही होती ऑनलाइन आप भी जानते हैं और ये टेंडरिंग के बारे में आप भी जानते हैं कि वो सरकारी विभागों के थ्रू होता है ये हमारा सरकारी विभाग नहीं ना होकर के बल्कि एक एनजीओ डिपार्टमेंट है आपने भी अगर कहीं देखा होगा तो ये टेंडरिंग सरकारी विभाग का क्या रोल रहता है इसमें ये कृषि प्रदर्शनी है कृषि विभाग और जिला एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल रहता है इसमें अगर एनजीओ की है ये प्रदर्शनी हम उसके ही मेंबर हैं मिला करके हमने एक चिटफंड रजिस्ट्रार का एक कमेटी गठित की आप कभी जरा उसको देखिएगा तो हर जगह कर करके कमेटी बनाई जाती है बाइलाज को बहुत बड़ा बाइलाज है बाइलाज 36 पन्ने का है आप कभी भी आकर के मेरे कार्यालय में देख सकते हैं थोड़ा सा ये क्लियर करना चाहते हैं कि जो ये कमेटी है प्रदर्शनी क्या है एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी क्यों शामिल रहते हैं अगर ये एनजीओ की है और अगर सेमी गवर्नमेंट है तो वो ये नान ये केवल जिला प्रशासन की नहीं होती है समाज के जो हमारे संभ्रांत लोग हैं वो भी उसके मेंबर हैं जैसे हमारे पत्रकार मित्र हैं शर्मा जी अध्यक्ष डीएम साहब होते हैं महासचिव नहीं तो सचिव होते हैं वो मैं हूँ और कोषाध्यक्ष कोषाध्यक्ष हमारे सीटीओ साहब हैं आम आदमी कोई इसमें वैसे बड़े पद पे नहीं होता सदस्य आम आदमी उसके विभिन्न कमेटियाँ होती हैं इसके अलावा ये तो एक कोर कमेटी हो जाती है इसके अलावा यहाँ कल्चरल कमेटी होती है हमारी पांडाल कमेटी होती है उसमें सामान्य आदमी को हम लेते हैं और उनके विचार फंड कहाँ से आता है ये जो अभी टेंडर हुआ ऐसे यही फंड आता है सर जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं मेरे ऊपर शायद आपने उसको देखा होगा मेरे ऊपर गंभीर आरोप नहीं लगाए गए हैं वो ये कहा गया है कि आप हमारे बाबू ने गलत अंक निकाला 1,41,00,000 का जब लोगों ने ऑब्जेक्शन किया तो मैंने फाइल देखी मैंने खुद फाइल देखी तो 1,88,000 का था तो ऑन पेपर वो 1,88,000 का था तो लड़ाई से बाहर हो जाता है पब्लिक टीवी आपकी आवाज़